नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट न्यूज खबर खगौल से है। खगौल के लखनी बिघा में बांस से बने सीता तीर्थ मंदिर सोनियाना सभागार का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेंकर ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग भी शामिल हुए। आपको बता दें कि बिहार में पहली बार किसी मंदिर का निर्माण बांस से किया गया है, जिस मंदिर को 4000 वर्ग फीट में बनाया गया है। वहीं अपने स्वागत संबोधन में पूर्व केंद्रीय मंत्री सह सीता तीर्थ न्यास के संस्थापक अध्यक्ष संजय पासवान ने बताया कि यहां हर महीने की शुक्ल नवमी को सीता सत्य संघ का आयोजन होगा, जिसमें महिलाएं भाग लेंगी। वहीं हर गुरुवार को गुरु गोष्ठी होगी जो 2 घंटे तक चलेगी। मंदिर में मुख्य रूप से व्यायामशाला, कर्मशाला, ज्ञानशाला और यज्ञशाला का भी निर्माण किया जाएगा। सीता तीर्थ न्यास की ओर से शोध पत्र निकाला जाएगा जो कि प्रत्येक 3 महीने पर जारी होगा, जो अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत में होगा। खास व्यायामशाला में किशोर और युवाओं को जोड़ने के लिए योग, संगीत, नाट्य कला, मूर्तिकला, खेलकूद आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा महान गणितज्ञ आर्यभट्ट की इस कर्मभूमि खगौल की पहचान देश विदेश में स्थापित करने के लिए हर वर्ष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सीता के रूप में आएंगे और यहाँ धनुष को लेकर खड़ी रहेंगे। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने हम सबको आश्वासित किया है, जब जब आवश्यकता होगी तब मैं यहाँ आऊंगा। सीता तो वही रूप है, उन्होंने हमको वही सिखाया है। मैं अभी एक कार्यक्रम में था कि वहाँ सीता मैया विषय कार्यक्रम में जब था, वहाँ भगवत गीता पर कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम से आते समय मुझे वही लगा कि भगवत गीता का वो रूप स्वयं श्री कृष्ण ने हम सबको जो मार्गदर्शन किया है वह रूप, और सीता मैया का जीवन, इस पे क्या फर्क है। भगवान वहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अभी वो अपना हताशा कर हाथ पर हाथ रखकर बैठने का समय गया है, उठाओ अपना धनुष और सामने शत्रु जो दिशा दिखाई देता है उस पर बाण चलाओ। आज यहाँ सीता स्वयं धनुष लेकर खड़ी है हमारे सामने। सीता का आदर्श क्या है, सीता हमको क्या सिखाती है कि समाज में जो जो दुष्ट प्रवृत्तियां आ गई है उसके खिलाफ लड़ने की आवश्यकता है, उसके खिलाफ धनुष और बाण लेकर सामने खड़ा रहने की जरूरत है। और कोई अवतार नया नहीं आएगा, अवतार बनने वाले तो हम सभी हैं। श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जब कहते हैं कि जब धर्म को ग्लानी होगी तब मैं प्रवेश करूंगा। देखिए, कुल मिलाकर के सीता अभी रामनवमी बहुत पॉपुलर है, लेकिन सीता नवमी जो सीता बिहार की बेटी थी उनके उत्सव को लोग नहीं मनाते हैं। मैंने पिछले 12 वर्षों से शुरू किया है तो आज पटना में पहली बार कर रहे हैं हम लोग हैं, हम दरभंगा करते रहे थे, इसलिए सीता नवमी को लोग जाने। उत्सव का मतलब होता है उत्साह, उन्माद नहीं, और निश्चित तौर से सीता के नाम से ही उत्साह उमंग पैदा होता है, इसीलिए हम सब सीता नवमी को लोकप्रिय बना रहे हैं। दूसरा, सीता सार एक जर्नल निकालेंगे, एकेडमिक जर्नल, वह जर्नल में प्रोफेसर लेक्चर्स का उसमें ये रहेगा, आर्टिकल्स रहेंगे उसमें। तीसरा ये कि गुरु गोष्ठी हम लोग करेंगे, हर गुरुवार के दिन जो भी समस्या लोगों की हो चर्चा करेंगे, कुछ गुरु बैठेंगे और उनके साथ जिज्ञासु आएंगे, गुरु गोष्ठी करने का प्लान है। और हर शुक्ल पक्ष के दिन, नवमी के दिन हम लोग सीता सत्संग करेंगे, ये प्लानिंग है अभी करने का। मास में 4 प्रोग्राम करने का हमारा है, गुरु गोष्ठी 5 प्रोग्राम गुरु गोष्ठी करेंगे और सीता सत्संग करेंगे हर शुक्ल पक्ष के नवमी के दिन। ये कुल मिलाकर हमारा आग्रह है कि जैसे जिस ढंग से राम के प्रयास से अयोध्या बन गया, यूपी बन गया, उसी ढंग से सीता के प्रति आस्था भाव से बिहार कहीं बन जाए, ठीक से विकसित हो जाए, बिहार को अपना परम वैभव मिल जाए, इस उम्मीद से मैं कर रहा हूँ। इसी में आपने इसको किस रूप में आज इस ये निश्चित तौर से, एक तो हम लोग मिथिला के रहने वाले लोग हैं और यहाँ देखा हमने कि बगल में रामपुर है, आप देखे रामपुर, तो जहाँ जहाँ रामपुर लखनी बिघा है
तो ये राम लक्ष्मण का जो है, जब मैंने पता किया तो इसका लगा मुझे कि साहब जो यात्रा बारात की आई राम बारात, उस रास्ते में यहाँ रुके हैं, अलौटी में फिर वहाँ रुके हैं। मतलब ये कि ये कहीं ना कहीं श्री राम के पूरे यात्रा वृत्तांत में, यात्रा मार्ग में यह भी स्थान आता है। इसलिए संयोग से भगवान ने यहाँ पे खड़ा किया हम लोग को, है तो बड़ी बात है कि एक उस कारण से भी हुआ है। और निश्चित तौर से सब लोग, हम लोग मिलजुल करके इसको एक बड़ा सेंटर बनाएंगे, इसमें शोध और बोध दोनों हो, ऐसा केंद्र विकास विकसित करने का अपनी योजना है। देखिए सीता प्राण प्राण में बसती है। अभी मैंने जो आपको कहा था, अभी मैं संबोधन में कहा कि हर मन, हर के मन में राम बसे, हर प्राण प्राण में सीता है। इस देश को यदि चरित्रवान नायक चाहिए, इस देश को यदि चरित्रवान संतान चाहिए, तो निश्चित रूप से राम के चरित्र के साथ साथ सीता के चरित्र का भी एक प्रकार से पुनः प्रतिष्ठापित करना होगा। और इसीलिए राम का भव्य मंदिर जहाँ अयोध्या में बन रहा है, वहीं बिहार में माँ के प्रगति स्थल क्षेत्र में माँ सीता का भी भव्य और दिव्य मंदिर बनाएंगे, कि वह अपने संतानों को यह संस्कार दे सके, उनको देखकर वो सीख सके कि धैर्य क्या होता है, नारी का साहस क्या होता है, और नारी के जो एक प्रकार से सभी प्रकार से शील का, धैर्य का, और उनके चारित्र की पराकाष्ठा जो सीता में है, वह स्वरूप हमारे नारियों में आए। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो पावन चरित्र जिनका है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, ऐसे हमारे नौजवानों में चरित्र आए। इसलिए राम और सीता दोनों का वह स्वरूप प्रतिष्ठापित करना आवश्यक है। राम का स्वरूप प्रतिष्ठापित हो रहा है, और बिहार के सीतामढ़ी में माँ जगत जननी जानकी का भी वह स्वरूप प्रतिष्ठापित हो रहा है। सर, एक तरफ कहीं ना कहीं संस्कृति को, हमारे नए संस्कृति समागम को लेकर के आने वाले 24 में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जहाँ पर हमारे बिहार की सीता जी का भी होगा, तो आने वाले दिनों में सर हमारे संस्कृति को लेकर आप क्या कुछ करना चाहेंगे कि बिहार अपने देश के नेतृत्व में भागीदार होगा, और आने वाले देश में हिंदू राष्ट्र अपना संस्कृति कब तक, अपने गौरव को कब तक पालेगा? देखिए मैं आपको बताऊं कि एक प्रकार से सांस्कृतिक पुनर्जागरण यह देश में प्रारंभ हुआ है। आप भी देखे होंगे, मैं भी देख रहा हूँ कि पहले नौजवान जब प्रथम साल का दिन हुआ करता था तो लोग पिकनिक मनाने के लिए वन जंगलों में जाते थे, और आज नौजवानों का पैर मंदिरों की ओर बढ़ रहा है। मैं राम मंदिर का जो दृश्य देखा इस 3 वर्षों में, नौजवान पिकनिक के समय नहीं आते थे, और अभी लाखों की संख्या में इस वर्ष प्रथम दिन 1,27,000 नौजवान राम का दर्शन करे, राम मंदिर में गए, तो यह संस्कृति के पुनर्जागरण का ये छोटा सा उदाहरण है। और देश भर में इस प्रकार का जागरण हो रहा है। माँ सीता की संस्कृति को यदि प्रतिष्ठापित करनी है तो उसको हमको बल देना पड़ेगा। आप पुनर्जागरण की बात कहेंगे सर, अपने बिहार के वासियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे आने वाले 24 के लिए, या कहें तो पुनर्जागरण? मैं तो कहूँगा कि बिहार सदैव संपूर्ण देश का मार्गदर्शन करा है, जो हमारे भारतीय संस्कृति का 2 आधार स्तंभ है, उत्तर भारत में मिथिला और बनारस। तो मिथिला बिहार का उस समय सांस्कृतिक केंद्र हुआ था, जितने हमारे दर्शन हैं वो मिथिला के अंदर ही रचना की गई थी। तो मैं समझता हूँ कि फिर से उसको जागृत करेंगे तो जो भूमिका कभी बिहार ने भारतीय संस्कृति को गढ़ने में निभाई थी, हम फिर से उसको गढ़ने में निभा कर पाएंगे। देखिए राम मंदिर कई फेज में बनना है। फेज 1 में हम लोग की इच्छा थी, जिसमें हम सफल हो रहे हैं, कि प्रभु राम का जो मंदिर है उनका निर्माण हो जाए। और उस फेज में हम पूरे मंदिर नहीं निर्माण कर रहे हैं, अभी भूतल जो हमारा है
प्रथम तल जिसको कह सकते हैं उसका निर्माण हो जाएगा, गर्भगृह का निर्माण हो जाएगा 2024 के जनवरी में, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा। शेष जो प्रकल्प है वो आगे बनते रहेंगे, लेकिन प्रभु राम अपने गर्भगृह में प्रतिष्ठापित 2024 के जनवरी में हो जाएगा।